पंचायत सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद में 5 ग्राम पंचायतों का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है। सहजनवा ब्लॉक के हरपुर ग्राम पंचायत, गगहा ब्लॉक के हाटा ग्राम पंचायत, पिपरौली ब्लॉक के भिलोरा ग्राम पंचायत, कौड़ी राम ब्लॉक के कोठा ग्राम पंचायत तथा पाली ब्लॉक के कारवा कला ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनको 11 लाख से 2 लाख तक के इनाम मिले हैं। इस इनाम की धनराशि को अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए खर्च करेंगे, जिसमें कि गौशाला की मरम्मत रखरखाव में खर्च कर सकते हैं, नाली निर्माण पर खर्च कर सकते हैं, सूखा गड्ढा या कंपोज में खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि और भी ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करेगी ताकि उनको भी भविष्य में पुरस्कार मिले और गोरखपुर के सर्वांगीण विकास हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में जो है 5 ग्राम पंचायतों का चयन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हुआ है। ये ग्राम पंचायतें हैं सहजनवा की हरपुर, उसके अलावा गगहा की हाटा, पिपरौली की भिलौरा, कौड़ी राम की कोठा और पाली की टड़वा कला। इनको 11 लाख से लेकर के 2 लाख तक के इनाम मिले हैं। इस इनाम से ये कुछ जगह पे अपने धनराशि गांव के सर्वांगीण विकास के धनराशि खर्च कर सकते हैं। शासन के द्वारा कुछ निश्चित पैरामीटर्स दिए गए हैं, कुछ जिसमें उनको धनराशि खर्च करना है, इनमें से किसी पर भी ये खर्च कर सकते हैं। पहला है जैसे गौशाला, अगर उनके ग्राम पंचायत में कोई गौशाला है तो उसकी मरम्मत रखरखाव पर खर्च कर सकते हैं। SLWM के तहत नाली निर्माण पर खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा वो अगर सोख्ता गड्ढा बनवाना है या बर्मी कंपोस्ट या नैफेड कंपोस्ट बनवाना है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, तो उसमें खर्च कर सकते हैं। स्वयं के स्रोत क्या है कि वृद्धि के लिए ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जैसे दुकान बनवाना है या ऐसा लोगों के लिए शॉप बनवाना है या कुछ NRLM को ऐसी हेल्प करना है जिससे कि गाँव की कुछ आय सृजित हो, ऐसे पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पंचायत भवन नहीं है उस गाँव में तो पंचायत भवन का निर्माण करा सकते हैं। अगर पुराना पहले से पंचायत भवन है तो उस पंचायत भवन की मरम्मत करा सकते हैं और 1 या 2 कमरे उसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गांव में अगर CSC सेंटर नहीं है तो CSC सेंटर उसे बनवा सकते हैं। लाइब्रेरी की स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको वो ले सकते हैं। पुस्तकालय, जैसे कि आप जानते हैं पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होती है, तो वो पुस्तकालय का निर्माण करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर टीकाकरण के लिए, अगर टीकाकरण कराना है टीकाकरण भी धनराशि से करा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसा कार्य जो कि पब्लिक मतलब वेलफेयर का है, जन योजना से संबंधित है जिससे लोगों को लाभ होगा, और किसी भी योजना से अगर ये नहीं है इसमें आच्छादित नहीं है तो ऐसे भी किसी कार्य को इसमें ले सकते हैं। तो ये सारे मुख्य कार्य हैं। SLWM मुख्य कार्य है, उसके अलावा पंचायत भवन मुख्य कार्य है, गौवंश के रखरखाव के लिए जो है गौशाला इनका मुख्य कार्य। तो ये सारे कार्य में धनराशि खर्च कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे प्रेरित होकर के और भी कई ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करेंगे ताकि उनको भविष्य में पुरस्कार मिल सके और वो भी अपने गांव के सर्वांगीण विकास के, जो गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, जिससे हम लोग अभी बहुत चीज़ों पर अच्छा काम कर रहे हैं, आंतरिक गलियों पर काम कर रहे हैं, स्कूल के कायाकल्प पर काम कर रहे हैं, पंचायत भवन के कायाकल्प पर काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी के कायाकल्प पर कार्य हो रहा है, SLWM में काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, ये सारे का स्ट्रीट लाइट पर कार्य हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और भी ग्राम पंचायतों को यहाँ पर गोरखपुर में अवार्ड मिलेगा।